अतिक्रमण हटाव मोहिमे विरोधात स्थानिकांचा आंदोलनाचा इशारा। राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करून जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत। या आदेशानुसार जळगाव जामोद नगरपालिकेच्या वतीने अतिक्रमण धारकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत। त्यामुळे सर्व संतप्त अतिक्रमण धारकांनी उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देत न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि अतिक्रमण निष्कर्षणाच्या कारवाईला स्थगिती मिळवावे अशी मागणी केली आहे। अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे। 2011 में जगपाल सिंह विरुद्ध पंजाब सरकार, इसके खटले को जो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर जो निकाल दिया था उसको बेस बनाकर मुंबई हाई कोर्ट ने एक सोमोटो एक्शन लिया और ये आदेश दिया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी गायरान ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो अतिक्रमण है उसको फौरन हटा दिया जाए। उसी के बेस पर उपविभागीय अधिकारी ने हमारे जलगांव जामुद नगर पालिका को एक लेटर लिखा जिसमें ये आदेश दिया कि जलगांव में जितने भी गायरान ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण है उसको पॉइंट आउट किया जाए और उनको नोटिसेस दिया जाए, जिसकी बेस पर 25 तारीख को नगर पालिका ने अतिक्रमण धारकों को नोटिस इशू किया। हमारा कहना यह है कि जलगांव जामू शहर के अंदर गायरान ज़मीन शुरू से है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो आज हमने यहाँ पर पहले नगर पालिका के अंदर भी एक मेमोरेंडम दिया और दूसरा जो निवेदन है वो यहाँ SDM ऑफिस के अंदर दिया, तो हमारी ये डिमांड यही है कि गायरान ज़मीन जलगांव जामुद में नहीं है। इसीलिए जलगांव जामुद में जो लोग 30 साल से 40 साल से घर बनाकर रह रहे हैं उनके पास में कोई पर्याय व्यवस्था नहीं है। ऐसी ठंडी की हालत में उनको नोटिस देकर घर से बेघर करने की नोटिस देना ये बिल्कुल एक गैर इंसानी और अमानवीय है। इसीलिए हमारी डिमांड है कि गवर्नमेंट, जिस तरह से हाई कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया, गवर्नमेंट भी हाई कोर्ट के अंदर जाए और एक फेर विचार याचिका जो है इसमें दाखिल करे। पर गौर नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक मार्ग से जो भी आंदोलन होगा हम यहाँ पर जलगांव जामुद में वो करेंगे।